आपके कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब आती है, बिल्कुल ख़राब नहीं, थोड़ी बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पिक्सल फटते हैं या फिर आपका जो हाथ माथ हिलाते हो वो उंगलियां क्लियर नहीं आती है, थोड़ी रुक रुक के चलती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती रहती है। आपका मोबाइल लो बजट का है तो ये कैसे आप कर सकते हो, बल्कि जो जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल वो काफ़ी बेकार मोबाइल है। सिर्फ मैंने मोबाइल कैमरे यूज करने के लिए ये मोबाइल यूज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो इतनी शानदार बनाती है, जबकि इस मोबाइल को तो मैं सामने रखता हूँ और इससे वीडियो यूज करता हूँ, बल्कि इसमें इसकी स्क्रीन तक जा रही है। मैं आपको इसके फोटोज़ दे दूँगा कभी, बट अभी इसकी स्क्रीन तक जा रही है तब भी ये कितनी शानदार इसकी वीडियो क्वालिटी बनती है। तो यहाँ पर आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए बेस्ट कैमरा के लिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। चलिए मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ओपन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ओपन कैमरा। ओपन कैमरा जब आप सर्च करोगे तो देख सकते हो कि मैंने इस मोबाइल में भी ये कैमरा डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल कैमरा है उससे भी बेस्ट क्वालिटी आती है। सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, 2 MB की साइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी शानदार इसकी क्वालिटी आती है, एंड यहाँ पर मैं आपको ओरिजिनल वाले की दिखा देता हूँ, तो ओरिजिनल वाले कैमरे की भी क्वालिटी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कितना फ़र्क आ जाता है। देख सकते हो आप कैसा कपाटा आ गया ना तुरंत ही तुरंत, तो यहाँ पर आप उस कैमरे को और इस कैमरे में आप अंतर यहाँ आप देख सकते हो। सिंपली आपको इसको ये आप देखो ये, ठीक है, एंड यहाँ पर आपको मैं दूसरा वो वाला ओरिजिनल जो होता है मोबाइल का वो यहाँ पर आपको यूज, देखो फर्क है ना। अगर आपको ये कैमरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डालो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख सकते हो।